प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। हिंदी की कक्षा में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करवाने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से पाठ 8, जिसका शीर्षक है मोबाइल की दुनिया से बाहर। बच्चों, मोबाइल की दुनिया से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मोबाइल से चिपके नहीं रहना चाहिए, यह ऐसा ही है कुछ आज के इस पाठ में। मशीनों का नेता रोबोट सड़क पर घोषणा करते हुए, रोबोट सुनो सुनो सुनो, आज से आप सभी हम मशीनों के गुलाम हैं। अगर हम सभी अभी से सावधान नहीं हुए तो चित्र में बने बच्चे द्वारा देखा गया सपना सच भी हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ये बच्चा सारा सपने में भी उसे लैपटॉप दिखाई दे रहा है, रोबोट दिखाई दे रहा है, ये सारा सब कुछ, खाना भी रोबोट बना रहा है, सफाई भी रोबोट कर रहा है। तो हमें इतना ज़्यादा मशीनों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मशीनें हमारी सुविधा के लिए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग करना उनके गुलाम जैसा है। ज़रा सोचो कि आप एक दिन में मशीनों के साथ कितनी देर रह सकते हैं। पाठ प्रवेश। मशीनें जितनी लाभकारी होती हैं उतनी ही हानिकारक भी होती हैं। मोबाइल, टीवी आदि का अत्यधिक इस्तेमाल करने से आँखों पर तथा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। विहान के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। परेशान क्यों ना हो, विहान पाठशाला से घर आते ही मम्मी पापा का मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर देता था। एक बार खेलने बैठता तो घंटों तक खेलते रहता था। उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि उसके दोस्त खेल के मैदान में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वह विहान था जो स्कूल से आते ही हाथ मुंह धोकर माँ से खाना मांगता था, लेकिन अब वही विहान घर आते ही मोबाइल मांगता है। और एक बार मोबाइल मिल जाए तो उसे खाने, खेलने और होमवर्क तक का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहता। फुटबॉल खेलना, गिटार बजाना, सबके साथ मिल बैठकर बातें करना, इन सब से तो जैसे उसने अपना नाता तोड़ ही लिया था। अगर बहुत हुआ तो मोबाइल से निकलकर टीवी देख लेता, लेकिन जब तक घर पर रहता मोबाइल और टीवी ही उसका संसार थे। मतलब उसको सिर्फ टीवी या मोबाइल, सब कुछ छोड़ दिया था। विहान के मम्मी पापा जानते थे कि आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब आदि का प्रयोग आम बात है। इनके अनेक फायदे हैं। इनसे स्वाध्याय को भी बढ़ावा, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, मतलब अपने आप पढ़ना, कि कुछ ढूंढना है, कुछ देखना है, टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो मोबाइल से आप ढूंढ सकते हैं, उसे बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय को भी बढ़ावा मिलता है, पढ़ाई आसान हुई है, लेकिन बच्चों को इनका दुरुपयोग करने से बचाना भी एक चुनौती बन गई है। कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयोग उसका दुरुपयोग बन जाता है। विहान के साथ भी यही हुआ। उसने मोबाइल पर आवश्यकता से अधिक गेम खेलने की आदत डाल ली। मम्मी पापा दोनों उसे मनाते, बड़े प्यार से समझाते, लेकिन विहान था कि मानता ही नहीं था। नतीजा ये हुआ, कुछ दिनों में वह पढ़ाई में बुरी तरह पिछड़ गया। एक जगह बैठे रहने से उसके शरीर में अकड़न रहने लगी, आँखों में जलन होने लगी। उसे रास्ते पर लाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। अनायास मम्मी पापा को एक उपाय सूझा। कुछ दिनों के लिए विहान के स्कूल की छुट्टियां थीं। कुछ दिनों के तो उसके विहान के स्कूल में छुट्टी होने वाली थी। वे उसे गांव ले गए। वे जानते थे कि दादा दादी से बढ़िया को बढ़िया ना कोई दोस्त होता है और ना ही उनसे बढ़िया कोई बच्चों को समझा सकता है। वे तो क्या होते हैं दादा दादी, ऑल इन वन, मतलब सबसे अच्छे, हर चीज़ में सबसे अच्छे। आखिर उनका बचपन भी तो अपने दादा दादी के साथ बीता था। वे दादा दादी के साथ का मोल बखूबी समझते थे। पापा की इच्छा थी कि विहान इस बार दादाजी के साथ अधिकाधिक समय बिताए, उनके साथ गांव में घूमे, उनसे अच्छी आदतें सीखे। मम्मी ने दादाजी को विहान की मोबाइल की लत के बारे में पहले ही बता दिया था। पहले ही दिन दादाजी ने विहान से कहा कि कल सुबह जल्दी उठना, सैर पर चलना है। विहान ने उनका मन रखने के लिए हाँ कह दिया। सुबह जब विहान नहीं जगा तो दादाजी ने स्वयं उसे जगाया। जैसे तैसे वह उठा और तैयार होकर दादाजी के साथ चल पड़ा। कुछ देर तक तो वह उदास रहा, लेकिन बाद में उसे क्या होने लगा, मज़ा आने लगा। रास्ते में दादाजी उसे पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी देते जा रहे थे। उसे
पक्षियों की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। खेतों में लहलहाती फसलें देखकर वे बहुत उत्सुक हुआ। उसने दादाजी से फसलों के नाम भी पूछे। दादाजी ने कहा, विहान बेटा, सुना है तुम अपनी मम्मी का मोबाइल बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते हो, क्या उस पर भी ये सब नहीं चलता? विहान कैसे बताता कि वह तो मोबाइल पे बस गेम खेलता है, दोस्तों से चैटिंग करता है, इसलिए वो चुप रहा, वो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो तो करता ही नहीं था, वो तो दोस्तों के साथ गप्पे मारता था, चैटिंग करता था, है ना। तो दादाजी उसे गांव की नदी के किनारे भी ले गए। नदी के किनारे सूर्योदय का समय बहुत सुंदर लग रहा था। सूर्योदय मतलब जब सूरज निकलता है। वहाँ एक मंदिर भी था, पास ही में एक चबूतरा भी बना था। उनके कई साथी वहाँ पे बैठे थे और कुछ बच्चे भी थे। दादाजी ने विहान का सबसे परिचय करवाया। फिर दादाजी उस चबूतरे पर बैठकर योगा करने लगे। विहान को भी योगा और कसरत के लाभ बताने लगे। विहान भी दादाजी की नकल करते हुए योग और कसरत करने लगा। दादाजी ने उसे एक पेड़ दिखाकर कहा कि उसे दौड़ते हुए छूकर आओ। विहान दौड़ा, लेकिन कुछ ही देर में वो थककर बैठ गया। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, क्योंकि उसकी आदत खत्म हो गई थी, बिल्कुल भाग ही नहीं पाता था। 2 दिन बाद विहान के चचेरे भाई रोहन का जन्मदिन था। आसपास के सभी बच्चे घर बुलाए गए थे, उनके साथ कुछ बड़े भी थे। बच्चों को घर आया देख विहान उनके साथ खेलने लगा। सब बच्चों ने खूब मस्ती की। ऐसी मस्ती विहान ने बड़े दिनों के बाद की थी। उसे अपने शहर के दोस्तों की भी याद आई। उनके साथ खेले हुए उसे कई महीनों हो गए थे, कितने महीनों हो चुके थे। दादाजी ने बच्चों के लिए तरह तरह के खेलों का आयोजन किया था। कविता प्रतियोगिता भी रखी गई थी। विजेताओं को पुरस्कार भी मिलने वाला था। विहान ने भी खेलों में हिस्सा लिया, कुछ में विजयी भी हुआ, यानी कि उसे प्राइज भी मिला। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से उसने स्कूल में खेलना भी लगभग छोड़ दिया था, और यहाँ पे उसे कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बच्चों के साथ खूब मस्ती कर रहा था, खूब खेल रहा था। अब कविता प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। विहान को भी याद आया कि उसने कई बार स्कूल में कविता प्रतियोगिता में भाग लिया था। उन प्रतियोगिताओं में कभी वह अपनी लिखी कविताएं सुनाता, तो कभी अंधे कवियों की। मम्मी उसे प्रतियोगिता की तैयारी करवाती थी। उसे कई पुरस्कार भी मिले थे। कितनी कविताएं तो उसे जुबानी याद थी। वह कविताएं याद करने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि मोबाइल पर गेम खेलने के कारण वह बहुत कुछ भूल चुका है। उसे कविताएं याद नहीं आईं। वह समझ गया था कि मोबाइल के खेलों की मिथ्या दुनिया ने, मतलब झूठी दुनिया, मिथ्या मतलब झूठी दुनिया ने उसकी वास्तविक प्रतिभा, यानी कि उसके अंदर जो प्रतिभा है, असली प्रतिभा को दबा दिया है। उसने तय कर लिया कि अब वह मोबाइल पर कभी समय नष्ट नहीं करेगा। कविता प्रतियोगिता शुरू हुई। विहान को कविताएं सुनने में बड़ा आनंद आया। उसके बाद डांस हुआ, विजेताओं को पुरस्कार दिए गए, फिर भोजन करके सभी अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिनों बाद विहान भी मम्मी पापा के साथ शहर वापस जाने लगा। उसने दादाजी को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा, लेकिन दादाजी बोले, विहान बेटा, गांव में मुझे काम रहता है, यहाँ मेरे बचपन के साथी भी हैं, उनके साथ मेरा समय बहुत आनंद से गुजरता है, लेकिन समय मिलने पर मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। तुम शहर में अपने मित्रों के साथ समय का सदुपयोग कर खुशी से रहना। ये देखो विहान कितना अच्छा बच्चा बन गया है। दादाजी के हाथ जो के पास हाथ जोड़कर वो कह रहे हैं कि दादाजी, अब मैं बहुत अच्छा बच्चा बन गया हूँ, और दादाजी कितने खुश हो रहे हैं और उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। विहान ट्रेन में बैठा अपने मित्रों के बारे में सोचने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उनमें से नहीं था जो अपनी गलती मालूम होने के बाद भी उसे ना सुधारे। वो एक अच्छा बच्चा था, उसे पता चल गया था मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो उसने अपनी गलती को सुधारा। अब उसने मोबाइल पर गेम खेलना छोड़ दिया। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ सेहत पर भी ध्यान देने लगा। समय पर खाता पीता, समय पर होमवर्क करता, और समय पर दोस्तों के साथ खेलने जाता। मोबाइल का उपयोग केवल पढ़ाई के लिए ही करता था। अब उसकी पढ़ाई में भी सुधार आ गया था, और मम्मी पापा विहान में आए बदलाव को देखकर बहुत
खुश थे, यानी कि विहान फिर पहले जैसा एक अच्छा बच्चा बन गया था और मोबाइल की आदत को उसने छोड़ दिया था। कैसी लगी बच्चों? और मैं आशा करती हूँ कि आपके अंदर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो आप भी इस कथा के इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे। अब हम चलते हैं कठिन शब्द। मैदान, अकड़न, चैटिंग, प्रतियोगिता, आनंद, कंप्यूटर, अनायास, सूर्योदय, पुरस्कार, सदुपयोग। स्वाध्याय, बखूबी, दृश्य, परिचय, दुरुपयोग, इच्छा, चबूतरा, वास्तविक, चुनौती, विशेषता, आयोजन और प्रतिभा। और इसके बाद है शब्दार्थ, नाता यानी रिश्ता, संसार का अर्थ है दुनिया, स्वाध्याय यानी स्वयं पढ़ना, मोल यानी महत्व, बखूबी का अर्थ है अच्छी तरह, चैटिंग का अर्थ है गपशप करना, सूर्योदय यानी सूरज का उगना, चचेरे भाई चाचा का बेटा, मस्ती यानी मज़ा, विजयी जीतने वाला, और जुबानी यानी कि मौखिक। और अब हम क्या करने जाएंगे? अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। विहान के मम्मी पापा क्यों परेशान थे? विहान के मम्मी पापा इसलिए परेशान थे क्योंकि विहान को बहुत ज़्यादा बुरी लत लगी हुई थी, मोबाइल की लत से और टीवी देखने की लत से वह परेशान थे। मम्मी पापा विहान को गांव क्यों ले गए? मम्मी पापा विहान को उसके मोबाइल की आदत छुड़वाने के लिए, कि सारा टाइम वो मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, उसकी आदत को छुड़वाने के लिए वो मम्मी पापा उसको गांव ले गए। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि से पढ़ाई में क्या सफलता सहायता मिलती है? जी हाँ बच्चों, इसे सहायता मिलती है। अगर हमें कोई टीचर हमें कोई ऐसा कार्य देती है जो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है, जो हमें नहीं पता चलता, तो हम मोबाइल की सहायता से उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उससे संबंधित जानकारी लेते हैं। तो इस तरह की सहायता हमें मोबाइल, लैपटॉप आदि से मिलती है। विहान ने सुबह की सैर करते समय दादाजी जी के साथ क्या क्या देखा? विहान ने लहलाती फसल देखी, पक्षी देखे, पक्षियों का कलरव सुना, पक्षी देखे, नदी देखी और बहुत सुंदर दृश्य, सूर्योदय का दृश्य भी देखा। और अब हम चलते हैं सही विकल्प पर, सही का चिन्ह लगाएंगे। विहान किसके मोबाइल पर गेम खेलता था? पापा के, दादाजी के, मम्मी के, अपने? विहान मम्मी और पापा और मम्मी दोनों के मोबाइल पर गेम खेलता था। किसके जन्मदिन पर गांव के बच्चे बुलाए गए थे? विहान के, गोलू के, चाचा जी के या रोहन के? रोहन के जन्मदिन पर बच्चे बुलाए गए थे। कविता प्रतियोगिता की तैयारी कौन करवाता था? दादाजी, मम्मी, अध्यापिका या पापा? कविता प्रतियोगिता की तैयारी मम्मी करवाती थी। विहान गांव से शहर कैसे लौटा? रेल से, बस से, हवाई जहाज से या नाव से? विहान रेल से अपने शहर लौटा। और अब है पाठ में हुई घटनाओं को पहचान कर संख्या लिखकर इनके सही क्रम दो। मम्मी पापा ने विहान को मोबाइल पर गेम न खेलने को कहा, विहान ने दादाजी को अपने साथ शहर चलने को कहा, विहान ने मोबाइल पर गेम खेलना कम कर दिया, मम्मी पापा विहान को अपने गांव ले गए, मम्मी पापा की परेशानी अब खत्म हो चुकी थी, दादाजी ने विहान को सुबह सुबह गांव की सैर करवाई, विहान को मोबाइल पर गेम खेलने की आदत पड़ गई, विहान के चचेरे भाई का जन्मदिन था। तो इसमें सबसे पहले हमने कर दिया, पहला हमने कर दिया छ, ये है फर्स्ट, जी हाँ ये है पहला, विहान को मोबाइल पर गेम खेलने की आदत पड़ गई, ये हो गया हमारा नंबर एक। उसके बाद हम आएंगे मम्मी पापा ने विहान को मोबाइल पर गेम खेलने को ना कहा, ये हो जाएगा हमारा नंबर दो। फिर उसके बाद आएगा मम्मी पापा विहान को अपने साथ गांव ले गए, जी हाँ ये आ जाएगा नंबर तीन। और फिर दादाजी ने विहान को सुबह सुबह गांव की सैर करवाई, नंबर चार। और फिर आ जाएगा विहान के चचेरे भाई का जन्मदिन मनाया गया, जी हाँ। और फिर आ जाएगा विहान ने मोबाइल पर गेम खेलना कम कर दिया था, सात। और फिर आएगा विहान ने दादाजी को अपने साथ शहर चलने को कहा। और फिर आ जाएगा मम्मी पापा की परेशानी अब खत्म हो चुकी थी। तो इस तरह हमने इस पर इधर नंबर लगा दिए, लेकिन इधर हमने जो है संख्या लगती है, सबसे पहले हमने छ छ, फिर ये, फिर इस तरह से हमने सीक्वेंस हमने डाल दिया है। विहान को मोबाइल पर गेम खेलने की आदत पड़ गई थी, मम्मी पापा ने विहान को मोबाइल पर गेम ना खेलने को कहा, मम्मी पापा विहान को अपने साथ गांव ले गए, दादाजी ने विहान को सुबह सुबह गांव की सैर करवाई, विहान के चचेरे भाई का जन्मदिन मनाया गया,
विहान ने मोबाइल पर खेलना कम कर दिया। विहान ने दादाजी को अपने साथ शहर चलने को कहा। मम्मी पापा की परेशानी अब खत्म हो चुकी थी। तो इस तरह हमने इसको पहचान संख्या लिखकर हमने इसको सही क्रम दे दिया है। और अब क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। विहान के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। मोबाइल और टीवी ही विहान का संसार था। विहान के मम्मी पापा दादा दादी के साथ का मोल बखूबी समझते थे। दादाजी विहान को कहाँ ले गए, सैर पर ले गए, नदी के किनारे। किसका दृश्य, सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस तरह हमने क्या किया बच्चों, हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे। विहान के मम्मी पापा उसकी मोबाइल की आदत से परेशान थे। जी हाँ, मोबाइल के सामने विहान सब कुछ भूल जाता था, बिल्कुल सही। विहान के मम्मी पापा ने उसे चाचा चाची जी नहीं, चाचा चाची नहीं, दादा दादी के घर भेज दिया था, दादाजी के। तो ये गलत है। दादाजी के पास जाकर विहान बदल गया। जी हाँ, दादाजी के पास जाकर विहान बदल गया। विहान दादाजी के साथ उसके ममेरे भाई, ममेरे नहीं चचेरे भाई रोहन के जन्मदिन में गया। तो यह भी गलत है। तो हमने यहाँ पे सही और गलत का निशान लगा दिए। और अब हमारे क्या करने जाएंगे बच्चों, अब आएंगे प्रश्नों के उत्तर। विहान ने पाठशाला के खेलों में भाग लेना क्यों कम कर दिया था। इसलिए कम कर दिया था, उसको सारा टाइम मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई थी, मोबाइल के आगे वो कुछ नहीं उसे दिखाई देता था, वो हर समय मोबाइल में डूबा रहता था। इसलिए उसने खेलों में, खेलों आदि में भाग लेना कम कर दिया था। गाँव से लौटने के बाद मम्मी पापा ने विहान में क्या बदलाव देखे। गांव से लौटने के बाद विहान बहुत अच्छा बच्चा बन गया था। उसने मोबाइल बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उसे अपने सेहत पर भी ध्यान देने लगा था। समय पर पढ़ाई करता था, समय पर खेलता था और समय पर ही सारा कार्य करने लगा था। और मोबाइल पे वो बिल्कुल जो बहुत थोड़ा सा कार्य होता, ज़रूरी कार्य सिर्फ वो करता था। विहान थोड़ी देर में ही दौड़ कर क्यों थक गया था, क्योंकि उसको दौड़ने भागने खेलने कूदने की उसकी आदत खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो दौड़ ही नहीं पाता था, इसीलिए वो दौड़ कर थक गया था। विहान को मोबाइल पर गेम खेलने की आदत कैसे पड़ी होगी। विहान को शायद मोबाइल पर मोबाइल खेलने की आदत हो सकता है। उसने कभी मोबाइल में उसने कुछ उसे कोई गेम अच्छा लगा हो और उसने उसे गेम को खेला हो और खेलते खेलते उसे बहुत मज़ा आने लगा हो, तो इस तरह हो सकता है उसको ये आदत पड़ गई होगी। मोबाइल प्रयोग के कोई दो नुकसान अपने शब्दों में लिखो। मोबाइल, ज़्यादा मोबाइल देखने से आँखें जो होती हैं आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा है, मोबाइल खेलने से हमारे मस्तिष्क पे भी बहुत जोर पड़ता है और हमारे जो अपने कार्य होते हैं, हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा टाइम मोबाइल में, तो ये समय बहुत ज़्यादा आपका नष्ट करता है मोबाइल। और बच्चों, इसके साथ हमारा ये इतना अच्छा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ से शिक्षा ग्रहण जरूर करी होगी। तब तक नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।